नमस्कार तो आज हम लोग एडिटोरियल्स की एनालिसिस करेंगे फ्रॉम थर्टींथ टू तो फिफ्टींथ जून 2021 की तो इसमें इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं सिंथेटिक बायोलॉजी को लेके वो कैसे हमारी सिक्योरिटी को हैम्पर कर रही है सेकेंड इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो कि जी की मीटिंग थी उसमें अमेरिका ने दोबारा ग्लोबल लीडर बनने की कैसे अपनी जो पॉइंट्स थे वो रखे और चाइना की ओबी ओवर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने का कैसे प्रस्ताव रखा राइट और दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं जिनकी सेपरेट वीडियो है और वो काफी अच्छे एडिटोरियल्स हैं उनको उनका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो प्लीज उसको जाके जरूर देखिएगा ठीक है तो ये जो हमारा कोर्स है ये फ्री है जितने भी एक्सपीरियंट्स हैं सिविल सर्विस एक्सपीरियंट्स या एग्जाम्स जो कंपिटेटिव एग्जाम्स के एक्सपीरियंट्स हैं उन सभी के लिए राइट तो इसमें हम कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं हर एडिटोरियल की आप देख सकते हैं इसमें जैसे कि हमने सारा कुछ पॉइंट आउट किया है कि इसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये फ्री है और हमेशा फ्री रहेगा तो इन रिटर्न प्लीज सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को ओके तो हम लोग पहला इंपॉर्टेंट एडिटोरियल देखेंगे जो ये कहता है कि कोविड नाइन्टीन पैंडमिक से हमें यह पता चला कि हमारी ट्रेडिशनल नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इतनी क्रेडिबल नहीं है वेन इट कम्स टू द बायो वेपन्स राइट तो इसमें यह कहा ऑथर ने कि जो प्रिपेयरनेस है नेशनल स्टेट्स की और जो हमारे ग्लोबल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं है इन डीलिंग विथ बायो बायोलॉजिकल अटैक्स राइट अब सिंथेटिक बायोलॉजी है क्या ये मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा ठीक है तो ऑथर ने यह कहा कि अनलाइक द न्यूक्लियर डोमेन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी आर नॉट नॉट रेगुलेटेड अब बात यह है कि nuclear weapons जो हमारे न्यूक्लियर वेपन जो हैं जैसे न्यूक्लियर वेपन है अटोमिक एनर्जी है ये सारी रेगुलेटेड है किसी ना किसी कन्वेंशन के थ्रू इसकी ट्रीटीज बाइंडिंग है कंट्रीज पे लेकिन सिंथेटिक बायोलॉजी जो है ये रेगुलेटेड नहीं है कोई भी कन्वेंशन इसको रेगुलेट अच्छे से नहीं करता है एक कन्वेंशन है लेकिन उसकी कोई भी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी नहीं है तो इसलिए ऑथर ये कह रहा है कि बायोवेपन्स जो है जो लैब में जनरेट होते हैं जैसे कि एक सो नो सो कॉल्ड एक एक्सम्शन है कि कोविड नाइनटीन भी लैब में बना और लैब से लीक हुआ राइट ऐसे वेपन्स अगर फ्यूचर में जनरेट होते हैं तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है राइट तो सिंथेटिक बायोलॉजी है क्या सिंथेटिक बायोलॉजी एक अगर हम इसको पॉजिटिव एंगल से देखें तो ये हमारी हेल्प करती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट करके ठीक है और ऐसी डिजीज पे काम करने के लिए जो कि ह्यूमंस ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए तैयार की गई फॉर एग्जाम्पल ऐसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट करना ठीक है और ह्यूमन डिजीज पे स्टडी करना उनके सेल्स को रीइंजीनियर करके सो दैट ह्यूमन के बेटरमेंट के लिए उसको लाया जा सके सो सिंथेटिक बायोलॉजी इज अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी विच कैन हेल्प अस मैनिपुलेट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोसेस फॉर द ह्यूमन बेटरमेंट एस्पेशल इन ट्रीटिंग डिजीजेस बाय री इंजीनियरिंग सेल्स तो स इट्स डबल डबल एस्ड शॉर्ट मतलब अगर इसके पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव भी होंगे तो बड़े सारे रिस्क है सिंथेटिक बायोलॉजी uh, के साथ और इसी से कंसर्न यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको वन ऑफ द सिक्स डिसरप्टिव बेसिक रिसर्च एरियाज में कैटेगराइज किया था राइट तो ये जो टेक्नोलॉजी है इससे हम लोग बायोलॉजिकल पार्ट्स या बायोलॉजिकल डिवाइसेस या नए ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं सो so दैट कि वो हमारी एग्जिस्टिंग ह्यूमन लाइफ पे अटैक कर सके राइट right? तो ये अगर इतना इसमें प्रॉब्लम है तो साइंटिस्ट और एथिसिस्ट कहते हैं कि हमें इस पर डिबेट करनी चाहिए ओके okay? तो अगर हम देखें तो इमीडिएट कंसर्न क्या है इसे लेके तो इमीडिएट कंसर्स ये है कि पहला कंसर्न ये है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ डेलीबरेट मिस यूज राइट तो एक पॉसिबिलिटी है जिसे हम कहते हैं कि उसका डेलीबरेट मिस यूज हो सकता है एक्सीडेंटल लीक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल पैथोजन एक्सीडेंटल लीक्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड नाइन्टीन का हम लोग एक वन ऑफ द एक पॉसिबिलिटी है राइट इन सफिशियंट ट्रेन स्टॉफ इन एडुकेट द बायोलॉजिकल सोर्सेज तो न्यूक्लियर वेपन्स जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूक्लियर वेपन जो है टाइटली कंट्रोल है लेकिन बायो अटैक्स जो है बायो वेपन्स जो है बायो रिसर्च जो है वो इतनी टाइटली रेगुलेटेड नहीं है

पेंडेमिक है इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसिस हम लोग देख रहे हैं कि कैसे आ रहे हैं तो पिन पॉइंट करना कि किस नेशन ने कौन सा नेशन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए और किस नेशन को किस टाइम पे पिन पॉइंट करना ये बड़ा मुश्किल है अभी क्योंकि अभी कोई भी ऐसे लीगल बाइंडिंग ट्रिटी है नहीं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी आर नॉट रेगुलेटेड एक कन्वेंशन जरूर है बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन ऑफ 1972 लेकिन इसकी कोई भी इंप्लीमेंटिंग बॉडी नहीं है इसका कोई वेरिफिकेशन क्लॉज नहीं है और इसके तहत कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो लेट डाउन नहीं वो कोई भी रिटर्न नहीं है जो कि इस रिसर्च को रेगुलेट कर सके अच्छे से जबकि आर्टिकल वन जो है इस कन्वेंशन का उसने बायो वेपन को तो बैन किया है लेकिन आ, बायो रिसर्च और बायो डिफेंस के पर्पज से जो सिंथेटिक बायो बायोलैब्स चल रही हैं उनको बैन नहीं किया है तो ऑफकोर्स इट ए डबल अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हो सकता है राइट तो ऑथर नहीं थिन लाइन बिटवीन अ डिफेंस रिसर्च एंड अ बायो वेपन्स रिसर्च तो इंडिया इंडिया में कैसे हम हम इंडिया जो है वो यूनिकली अनप्रिपेयर्ड है कैसे अगर ये हम इमेज देखते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज के बीच में गैप है राइट सो देर इज ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज हमारे यहाँ पे अगर कुछ चीज अप्रूवल करनी है तो उसको बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के थ्रू पास करना पड़ता है तो इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे पोर डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम इन सफिशियंट कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स डीलिंग विद द बायोसिक्योरिटी इशूज और तीसरी नॉट सो गुड कंडीशन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम तो हम लोग यूनिकली अनप्रिपेयर हैं तो इसलिए ऑथर ने यह कहा कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉडीज एंड मिनिस्ट्रीज मेक कॉर्डिनेशन डिफिकल्ट एस्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ एम्पावर्ड कॉर्डिनेटिंग बॉडी कोई भी एम्पावर्ड कॉर्डिनेटिंग बॉडी नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी थ्रेट्स को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट uh, मिनिस्ट्री देखती है राइट लेकिन लैब्स डीलिंग विद द बायोलॉजिकल रिसर्च और सेटअप अंडर आई सी एम आर एंड आई सी ए आर तो आई सी एम आर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत रेगुलेटेड है और आई सी ए आर जो है वो एग्रीकल्चर तो चार मिनिस्ट्री से कोर्डिनेट करना है एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी इशू को लेके तो ये एक काफी बड़ा कंसर्न है जिसको जिसको हमें हमें टैकल करने के लिए कोऑर्डिनेशन बॉडी सॉल्व करना है राइट सो सिक्योरिटी तो पेंडेमिक्सो हाईलाइटेड ट्रेडिशनल डिस्टिंक्शन एट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लेवल बिटवीन बायोलॉजिकल वेपन राइट एंड डिजीज में नॉट बी यूजफुल एनी मोर जो प्रेजेंट हमारे बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस uh, हैं और डिजीज हैं वो सफिशियंट नहीं है फ्यूचर uh, में ऐसे पैंडमिक्स को फेस करने के लिए सो देर नीड्स बी मोर कन्वर्सेशन बिटवीन द हेल्थ स्पेशलिस्ट एंड बायो डिफेंस स्पेशलिस्ट जैसे अब नवम्बर टू में ये एक कन्वेंशन जो बी टी डब्ल्यू सी कन्वेंशन है ये दोबारा होगी तो ऑथर ने यह कहा कि इस समय हमें बायोवेपन्स रिसर्च हमें एक इंटरनेशनल मेजर्स बनाने पड़ेंगे फॉर मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ द बायो रिसर्च एंड बायो डिफेंस रिसर्च राइट अब नया एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि जी के बारे में है तो जी सेवन नीड्स टू बी मोर ओपन एंड लेस एक्सक्लूसिव इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग इंटरलिंक्ट वर्ल्ड तो जी सेवन जैसे कि अपने आप को कंसीडर करता है कि बेस्ट वर्स इज द रेस्ट बेस्ट कौन सी सेवन कंट्रीज कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान यूके एंड यूएस ओके okay, तो इसमें से जो आ, त, त, हम देखेंगे कि कुछ कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी उसमें है यूरोपियन यूनियन में है जैसे फ्रांस जर्मनी इटली तीन कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की है अब यूके जो है बाहर आ गई है तो ये सेवन बेस्ट बर्स द बेस्ट से बाहर निकल के हमें अभी ग्लोबल डेमोक्रेसीज की बात करनी चाहिए तो इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई जो कैरबिस बे में ये जो मीटिंग थी ये सबमिट हुआ कैरबिस जो कि यूके में है तो इसने दो इंपॉर्टेंट मैसेजेस भेजे पहला कि अमेरिकन लीडरशिप अगेन जो अमेरिका के न्यूली इलेक्टेड द सेवन बिल्ड बैक बेटर ओके वॉज अ व्हाइट हाउस टर्म टू डिक्लेयर अमेरिकन इकोनॉमी एंड जॉब इस स्लोगन के थ्रू उन्होंने ये आ, दर्शाया कि हम लोग अमेरिकन इकॉनॉमी को दोबारा से ग्लोबल की बेस्ट इकॉनॉमी बनाएंगे और जॉब्स रिकवरी प्लान जो वहां पे जॉब्स का प्रॉब्लम है उसको हम दोबारा से रीइंस्टेंशिएट करेंगे राइट right? तो बेसिकली ये प्लान जो था अमेरिकन इकोनॉमी uh, को वर्ल्ड uh, की बेस्ट इकोनॉमी बनाना ये एक्चुअली वो काउंटर करना चाहते हैं चाइना की वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी जो है उसको राइट right? तो सेकेंड मेजर मैसेज जो था जो इस जी समिट से मिला वो था कि कंसेंसस अमंग द सेवन मेंबर कंट्रीज ऑन काउंटरिंग चाइना तो G7 में एक डेमोक्रेसिस 11 को लेके एक स्टेटमेंट साइन किया गया ओपन सोसाइटीज ठीक है तो इसमें यह बात की गई कि डेमोक्रेसी इज फेसिंग थ्रेट्स टू फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी फ्रॉम राइजिंग अथॉरिटेरियनिज्म इलेक्टोरल इंटरफेरेंस करप्शन इकोनॉमिक क्वेश्चन मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन साइबर अटैक्स ठीक है इंडिया को लेकर उन्होंने यह कहा कि पोलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन जैसे कश्मीर में दो साल के लिए इंटरनेट बंद रहा राइट ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड एब्यूसिस टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म ओके तो G7 में अगर हम ये इमेज को आप पॉज करके जरूर देखें ये अच्छी और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इवन यूपीएससी स्टेट पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वहां पे एक गैरबिस बेट डिक्लेरेशन एक डिक्लेरेशन साइन हुआ जिसमें उन्होंने ये आ, डिसाइड किया कि अब G7 कंट्रीज का एम जो है वो ट करना है फ्यूचर पेंडेमिक्स को तो जी सेवन ने फॉर द नेशंस विद हाफ दैट कमिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड टेन करोड़ फ्रॉम ब्रिटेन राइट तो वर्ल्ड को आ, जो वर्ल्ड का कोवैक्स प्रोग्राम है उसको कैसे टैकल करना है पैंडेमिक को लेके ये बात की दूसरा बिल्ड बैक बेटर फॉर द वर्ल्ड प्रोजेक्ट तो मैंने जैसे आपको बताया कि इट एम डेट इस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया कि वो जो स्मॉल कंट्रीज है उनको सॉरी उनपे इंफ्लुएंस डाल के कैसे आ, अपना जो इनिशिएटिव है वो कंप्लीट कर रही है और उनको बहुत डेट पे डाल रही है चाइना कई सारी चीजें डिमांड करती है कंट्रीज से कि अपने रोड को इस तरीके से बनाओ अपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डिजाइन करो तो वो मजबूर करती है कि वो चाइना से लोन ले और अपने आप को डेट में डाले तो इस चीज को काउंटर करने के लिए वहां पर बात की गई तो अमेरिका ने अपनी हजमनी को दोबारा से क्रिएट करने के लिए यह कहा कि इट विल कलेक्टिवली कैटलाइज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कि जी सेवन कंट्रीज कलेक्टिव कलेक्ट करेंगी हंड्रेड्स ऑफ बिलियन बिलियन डॉलर्स ठीक है फॉर लो एंड मिड इनकम कंट्रीज इन एशिया एंड ऑफर्स व वैल्यू ड्रिवन एंड हाई स्टैंडर्ड एंड ट्रांसपेरेंट पार्टनरशिप विद जी सेवन राइट तो अमेरिका ने अपने आप को वर्ल्ड लीडर दोबारा कंसिडर करने के लिए ये आ, प्रोजेक्ट की बात की राइट right? तो अब काउंटरिंग चाइना अप्रोच तो चाइना को चार पॉइंट्स पे यहां पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया गया पहला कि क्रिटिसाइज बीजिंग फॉर इट राइट रिकॉर्डिंग इन जी एंड डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स इन हॉन्गकांग नॉन मार्केट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस एक्शन ऑफ चाइना चाइना चीज जैसे उन्होंने कई सारे जो स्मॉल आईलैंड हैं वहाँ पे आ, वहाँ पे अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है चाइना उनको एक्वायर कर रहा है वियतनाम से या बहुत बहुत छोटे जो आईलैंड स्टेट्स हैं उनसे एंड डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इन द ऑरिजिन ऑफ द कोविड नाइन्टीन वायरस ये हमने एक वीडियो में पीछे काउंटर किया है ये टॉपिक को कैसे वुहान लैब से जो वायरस था वो लीक हुआ तो प्लीज़ इसको जरूर देखिएगा राइट

इकोनॉमिक इश्यूज में यह कहा कि ईयू जो है यूरोपियन यूनियन जो है उसकी तीन कंट्रीज जी सेवन में इंक्लूडेड है और इंडिविजुअली कोई भी कंट्री इतना योगदान नहीं दे रही है राइट तो दे आर वर्किंग दे आर रिप्रेजेंटिंग इट एज अ यूरोपियन यूनियन राइट तो इन दीमियर और ये कहा कि अब जो उनका नजरिया है बेस्ट वर्ट्स इज द रेस्ट को देखने का उसको उनको चेंज करना है एंड एक uh, एक वर्ड है यहाँ पे एनेक्रोनिस्टिक इसका मतलब होता है कि 1970, 1975 में जब जी बना था तब से लेके उनकी जो क्रोनोलॉजी है उसकी थिंकिंग में चेंज नहीं आया वो अभी भी अपने आप को बेस्ट समझ रही हैं ठीक है थीके? तो थ्रू क्रोनोलॉजी थ्रू पीरियड ऑफ टाइम जो है चीज़ें बदल जाती हैं अब इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं हमें उनके बारे में भी बात करनी चाहिए तो डेमोक्रेसीज इलेवन तो डेमोक्रेसीज इलेवन के बीच में जो एक स्टेटमेंट साइन हुआ ओपन सोसाइटीज को लेके तो उसमें चार डेमोक्रेसीज थी वर्ल्ड की इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका तो so, G7 सेवन प्लस फोर दीज कंट्रीज बिकम्स इलेवन राइट तो इन्होंने एक स्टेटमेंट साइन किया जिन्होंने ये कहा कि वी विल एनकरेज द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एज अ फ्रीडम दैट सेव गट्स डेमोक्रेसी एंड हेल्प पीपल लिव फ्री फ्रॉम फेयर एंड ऑपरेशन राइट तो द स्टेटमेंट ऑल्सो रेफर टू पोलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउंस यहाँ पर इंडिया की बात की गई और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं उन्होंने इसको काफी अच्छे से काउंटर किया था आ, इस आ, उनके स्टेटमेंट को राइट right? तो so, विद द स्टेटमेंट इज डायरेक्टेड एट चाइना एंड रशिया इंडिया हैज बीन अंडर द द द स्क्रूटनी ओवर इंटरनेट इन जम्मू एंड कश्मीर इवन एज गवर्नमेंट इज लॉक्ड एज अ फेस ओवर ओवर न्यू आईटी रूल्स विद टेक टी तो न्यू आईटी रूल्स 2021 uh, जो आ रहे हैं टेक जाइंट उस पर भी बात हुई जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट शटडाउन हुआ उसमें भी बात हुई तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इसको कैसे प्रमोट किया जाए और पॉलिटिकल जो जो क्या हम कहेंगे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है व्हेन इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस उस पर भी बात हुई राइट तो इंडिया का क्या स्टैंड पॉइंट इंडिया का क्या स्टैंड था और इंडिया का क्या व्यू पॉइंट थे इंडिया हमेशा से एक स्पेशल गेस्ट रहा है जी सेवन पहले जी एट था वो टू तक जब रशिया भी इसमें था अब रशिया बाहर हो गया तो जी है वो

एक ये इंडिया ने पॉइंट रखा और इंडिया ने एक पॉइंट रखा कि कंट्रीज को अभी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए हमें साथ आना पड़ेगा तो इंडिया ने काफी अच्छे व्यू पॉइंट्स रखे और आई होप जो जी सेवन का जो एक एजेंडा है बेस्ट वर्सेस द रेस्ट का वो चेंज होकर फ्यूचर में ओपन डेमोक्रेसी पे ज्यादा बात करेगा तो अभी एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जिसको हम बोलेंगे भारी ताला सुचुस तपनी ये क्या है कॉर्निवरस रिप्टाइल है जो कि 240 फोर्टी मिलियन ईयर्स पहले जीवित थे तो इसके बारे में डिस्कवरी की गई और ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है क्योंकि ये इस पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो हमें जो इसका इंटरेक्शन था इकोसिस्टम के साथ इसका जो हमारा बायोस्फेयर के साथ इंटरेक्शन था बायोलॉजी के साथ इंटरेक्शन था वो हम लोग जज नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब जो येरापल्ली फॉर्मेशन जो है जो कि तेलंगाना तेलंगाना में है वहाँ पे जब इसकी जो आर्कोलॉजिकल आर्कोलॉजिकली एक्सट किया तो राइट तो, इस, मतलब तो, right? तो जो तापनी जो इसका नाम है वो प्लेन्टिजिस्ट जो है तपन रॉय चौधरी उनके नाम पर डाला गया था तो प्लेंटोलॉजिस्ट होते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ जो कि स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉजिल्स ओके

पहले क्या था कि अभी इसकी एक्जेकवेशन नहीं हुई थी जब इनकी एक्सवेशन हुई जब इनके बारे में स्टडी हुई तो इनकी इंटरैक्शन के बारे में पता चला तो टूथ मार्क्स इन फर्स्ट फ्रंट ट्रंक ऑफ दिस इंडिकेटिंग दैट स्मॉलर एनिमल टूक अ बाइट प्रोबेबली आफ्टर द डेथ ऑफ द दिन राइट तो दिस इज अ नाइस एग्जांपल ऑफ एविडेंस ऑफ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन दैट ऑकर 240 फोर्टी मिलियन ए गो तो द फॉसिल जो था वो हमें और भी कई सारे जो एनिमल्स थे येरापली फॉर्मेशन में एक्जेक्यूवेट करके हमें पता चला राइट तो कंक्लूजन ये है कि फ्यूचर एक्सप्लोरेशन एंड एक्जेक्यवेशन इन दिस यूनिट आर इंपॉर्टेंट इन फाइंडिंग न्यू फॉजल्स अनफॉर्चुनेटली डिफॉरेस्टेशन माइनिंग एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन अर्बनाइजेशन आर ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग द फॉसिल फेरियस लोकेलिटीज ऑफ इंडिया तो ये कंक्लूजन आप कई सारे जो मेन्स में आंसर लिखते टाइम आप यूज कर सकते हैं आपको अपने तरीके पे तो येरापली फॉर्मेशन जो है वो प्रणीता गोदावरी बेसिन में है तो आप ज़रूर इसको प्लीज़ सर्च करेंगे मैं इसमें आपको नहीं बता रहा हूं आप इसको इंटरनेट पर सर्च करेंगे मे बी इस बार ये प्रीलियम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो तो हमारा इतना ही था थैंक यू सो मच और दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो हैं जीरो थ्रेट वलरेबिलिटी सॉरी यहाँ पे वल्लेबिलिटी मिसिंग है तो प्लीज़ इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखें बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं ये और इसको आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच